दोस्तों इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं टाइटन कंपनी के बारे में। रिसेंटली टाइटन कंपनी ने अपने क्वार्टर फोर के रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया है और साथ ही साथ डिविडेंड को लेकर भी अनाउंसमेंट करी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं डिविडेंड के बारे में, तो यहां पर आप देख सकते हैं टाइटन कंपनी लिमिटेड ने ₹10 पर शेयर का डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स के लिए डिक्लेयर किया है। बात कर लेते हैं कंपनी के कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट के बारे में, तो सारे फिगर्स यहां पर रुपीज इन करोड़ से। सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपनी के टोटल इनकम के बारे में, तो रिसेंटली क्वार्टर फोर में कंपनी ने 10,474 करोड़ रुपए की टोटल इनकम क्वार्टर फोर के अंदर जनरेट करी है, जो कि आप लास्ट ईयर के क्वार्टर फोर में देखेंगे तो 7,872 करोड़ की थी। यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी की इनकम में काफी अच्छी जंप देखने को मिल रही है। वहीं अगर क्वार्टर थ्री में देखें तो क्वार्टर थ्री में कंपनी की इनकम 11,698 करोड़ रुपए की थी, यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपनी की इनकम डिक्लाइन हुई है। अब कह लेते हैं कंपनी के एक्सपेंसेस के बारे में, तो टाइटन कंपनी लिमिटेड ने जो टोटल एक्सपेंसेस डिक्लेयर किए हैं क्वार्टर फोर के अंदर वो है 9,486 करोड़ के, और अगर लास्ट ईयर के क्वार्टर फोर में देखेंगे आप तो वो 7,165 करोड़ के थे। यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी के एक्सपेंसेस भी इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहे हैं। और क्वार्टर थ्री की बात करें तो क्वार्टर थ्री में कंपनी के एक्सपेंसेस 10,454 करोड़ के थे, यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपनी के एक्सपेंसेस डिक्लाइन हुए हैं। चलिए इसी के साथ बात कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट फॉर द ईयर के बारे में, तो जो प्रॉफिट कंपनी ने यहां पर डिक्लेयर किया है वो आप यहां पर देख सकते हैं। क्वार्टर फोर में कंपनी ने 736 करोड़ रुपए का प्रॉफिट बनाया, जो कि लास्ट क्वार्टर में 527 करोड़ रुपए का था। यानी कि लास्ट ईयर के क्वार्टर फोर के कंपेरिजन में इस बार कंपनी ने काफी अच्छा प्रॉफिट बनाया है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर नंबर्स काफी अच्छे हैं। अगर क्वार्टर थ्री की बात करें तो क्वार्टर थ्री में कंपनी का प्रॉफिट 913 करोड़ का था, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपनी के प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिल रही है।